हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पल्स पीड़ित निवेशकों का हमारे न्यूज चैनल पर एक बार फिर से दोस्तों हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं। जैसे कि हमने आपको कल बताया था कि अमित गर्ग जी का एक बड़ा ऐलान, सभी भारतवर्ष की जितने भी जिलों में CSC है उन पर पल्स निवेशक अपना कब्जा करें और वहां पर ताले उनके तोड़कर सफाई कर वहां पर अपनी मीटिंगें रखें, और मीटिंगों के आधार पर ही जो भी मीटिंग के निर्णय निकला करेंगे वो पल्स ऑफिसों के अंदर बैठकर ही निकला करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब पल्स के ऑफिस भारतीय सेवा दल के ऑफिस में बदल चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, कल से 4 CSCO पर कब्जा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त उनके इस कब्जे को कोई प्रशासन या कोई कंपनी वाले हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों मामला 49,000 करोड़ रुपए की देनदारी का है जो निवेशकों को देनी है, चाहे कंपनी दे या दे गवर्नमेंट, जो भी सामने आएगा इन कब्जों वालों के उसको ही पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस तरह के इस वक्त मैटर बदल चुके हैं। सभी पल्स कंपनियों के ऑफिसों पर भारतीय जन सेवा दल के ऑफिस, जी हाँ दोस्तों, बदल चुके हैं। उनमें सभी निवेशक बैठकर अपने अगली रणनीति के, जी हाँ दोस्तों, मशवरे किया करेंगे, और वहां पर संडे के संडे क्लोज भी रहा करेगा। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको न्यूज चैनल से दी जा रही है, और आपको आगाह किया जा रहा है कि भारतवर्ष की जितनी भी पल्स की प्रॉपर्टी है, चाहे वह अभी तो फिलहाल हमारे पास भारतीय जन लोक सेवा दल की तरफ से जो फरमान आया है केवल ऑफिसों पर ही कब्जा करने का आया है। दोस्तों, इससे आगे का जो भी कब्जा करने का आएगा दोस्तों, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि 49,000 करोड़ रुपया दोस्तों गरीब निवेशकों का खून पसीने की कमाई का इस वक्त लूट की कगार पर है, और इसकी लूट की कगार को रोकने के लिए दोस्तों हमें इस वक्त बहुत कड़ी मेहनत की जरूरत है और संगठित होने की जरूरत है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त भारतवर्ष के सभी पल्स निवेशक संगठित हो चुके हैं, इक्का दुक्का लोगों को छोड़कर जो लोगों के बहकावे में आकर उनके साथ नहीं जुड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो भी जुड़ने शुरू होने लगे हैं, क्योंकि कुछ हमारे पास ऐसी भी न्यूज़ आ रही हैं कि घर बैठे कुछ नहीं होगा जब तक अपने धरने प्रदर्शनों से नहीं जुड़ेंगे। तो दोस्तों, धरने प्रदर्शनों से जुड़ें और इनकी मीटिंगों में जाएं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके लिए पल्स के ऑफिसों में ही मीटिंगें हुआ करेंगी, और उसी तरीके से आप मीटिंग करेंगे जैसे कि आप कंपनी में बैठकर मीटिंग किया करते थे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी बड़ी मीटिंगें आपकी पल्स निवेशकों की और एजेंटों की हुआ करती थी। तो दोस्तों, वही दिन दोबारा लौट आए हैं, तो आपके ऑफिसों में इस वक्त ताले टूट चुके हैं, और पल्स निवेशक इस वक्त अपने सभी CSCO पर बैठकर अपने अगली रणनीति की, जी हाँ दोस्तों, रूपरेखा तय करेंगे। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज आपको न्यूज चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।